तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट मेरे वीडियो को इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा एक वैकेंसी निकला है जो कि है नवोदय विद्यालय समिति में। टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 1925, यानी कि 1925 पोस्ट के लिए आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है, एक एजुकेशनल जो कि एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है क्लास 10 से लेके ITI से लेके ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री अगर है आपके पास क्वालिफिकेशन, तो भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और साथ ही साथ सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स करियर का अपडेट मिल जाता है। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर ऑन कीजिएगा। तो ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो स्टार्टिंग हो चुका है 12 जनवरी 2022 से। ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन में आप लोग कर सकते हैं, वो शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 10 फरवरी 2022 तक रात के 11:59 तक आप लोग ऑनलाइन में फिलअप कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फी आपको पेमेंट करता है वो 10 फरवरी 2022 तक रात के 11:59 के अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन फी भी पेमेंट करना आता है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है 1925 पोस्ट के लिए, जो कि आपके पास अगर 10 पास है, ITI है, 12 पास है, ग्रेजुएशन है, फिर मास्टर डिग्री है, तो भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। नवोदया विद्यालय समिति में आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं इसका लिंक तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेज में आ जाएंगे। आने के बाद सबसे नीचे आने के बाद अगर ऑनलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो IRY एग्री पे आपको टिक करना है। करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है अप्लाई करना आपको स्टार्टिंग हो जाएगा। वहाँ से आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स भर के अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स बोलूँगा कि जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन और आपका कैटेगरी वाइज सारा कुछ डिटेल्स क्या है, तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड्स डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट में जाना है। तो जैसे ऐप पर क्लिक करेंगे आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको सारा कुछ डिटेल आप लोगों को जो है यहाँ से दिख जाएगा। जहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, बहुत सारा कैटेगरी है, तो उस हिसाब से आपको देख लेना है क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, एडमिन ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसी है, उसके ग्रुप बी के लिए है, उसके पास क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ डिटेल आप लोगों को यहाँ पे भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारा कैटेगरी है, फुल डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे 3 सीरियल नंबर में आना है, पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आना है, फॉर असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट कोड जो कि 1 है, जिसके लिए आपको पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं, 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये तक आपका जो है सैलरी मिल सकता है। एज लिमिट 45 साल है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर डिग्री के साथ ह्यूमैनिटी साइंस कॉमर्स है, तो आप लोग जो इसको पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे है, तो आप लोग इसको उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन हिसाब से आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देख लेना है, उस हिसाब से जो है क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जूनियर, जैसे यहाँ पे दूसरा एक कैटेगरी हो गया जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट जो है 7, जिसपे 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक आपको सैलरी भी हर महीना मिल जाएगा। इस लिमिट है 35 साल। और क्वालिफिकेशन आपका चाहे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग की BE BTEC अगर है आपके पास, तो आपको जो है सिविल इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर साथ साथ 3 साल का आपका डिप्लोमा भी है सिविल इंजीनियर में, तो भी आप लोगों का आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3 साल का आपका जो है कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में अगर एक्सपीरियंस है, तो आप लोग जो है आराम से इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे स्टेनोग्राफर जो कि पोस्ट कोड 8 है, जिसमें आपका 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपका सैलरी मिल जाएगा हर महीना। 18 से 27 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे हायर सेकेंडरी है, और उसके साथ आपका जो टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे रखा गया है, और 40 वर्ड पर मिनट जो कि आपको इंग्लिश रखा गया है। तो इस हिसाब से आपका सब कुछ क्वालिफिकेशन ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन है, डिग्री चाहिए, कोई भी डिग्री है अगर आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपका डेटा एंट्री का स्किल टेस्ट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, तब इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप कैटरिंग असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका अगर खाली 10 पास है आपके पास, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपका जो 10 पोस्ट है आपका इस मैक्सिमम एज है 35 साल, और सैलरी 25,500 लेके 81,100 रुपये तक सैलरी आपको मिल सकता है। कैटरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप लोग अगर 10 पास कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा कैटरिंग में होना चाहिए, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके साथ अगर आपके पास अगर 12 पास है, तो भी इसके लिए जो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट का अगर कोर्स है, तो भी आप लोग जो है कैटरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करके कैटेगरी वाइज बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को देख लेना है
क्योंकि मैं सारा कुछ अगर बोलने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप कुछ और एक कैटेगरी में बात करते हैं, जब तक इलेक्ट्रिशियन काम पंप ऑपरेटर जो कि 13 पोस्ट है, जो कि 19,900 लेके 63,200 रुपये तक आपको सैलरी मिल सकता है, और 18 से 40 साल की उम्र के जो कि कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन है क्लास 10 पास, उसके साथ आपका रिलेटेड ट्रेड में ITI होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, प्लम्बिंग है। अगर इसमें से कोई भी एक में आपके पास अगर ITI पास और सर्टिफिकेट है तो इसमें लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एटलीस्ट 2 ईयर का आपका रिलेटेड ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है ITI कैंडिडेट है। लैब अटेंडेंट है, उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए 14 पोस्ट है, जैसे सैलरी 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक सैलरी, 18 से 30 साल एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन 10 पास है, और उसके साथ ही साथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन का अगर डिप्लोमा है 10 पास के साथ, यानी कि आप लोग पैरामेडिकल कोर्स के हैं तो भी जो है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेस हेल्पर के लिए 15 पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक सैलरी एज लिमिट है, 18 से 30 साल सब एज लिमिट में आपका रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे मिल जाएगा, तो भी आप लोगों को आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे है मेस हेल्पर, जिसके लिए आपका 18 से 30 साल है एज लिमिट, क्वालिफिकेशन आपका चाहिए 10 पास, यानी कि 10 पास होने पे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ 2 साल का अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल है इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए, जो कि मेस हेल्पर है। और उसके साथ और भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जिसमें आपका टोटल पोस्ट है 16, जिसमें सैलरी है 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक, आपका एज यहाँ पे भी सेम है 18 से 30 साल, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास है, तो आप जो है आप लोग खाली इसमें डायरेक्टली जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ में खाली क्वालिफिकेशन 10 पास चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, क्लास 10 या ITI या 12 या फिर आप लोग होटल मैनेजमेंट किए, फिर डिप्लोमा किए, फिर BA BTEC किए, फिर ग्रेजुएशन किए, फिर आप मास्टर डिग्री किए, तो ये जो रिक्रूटमेंट आया है नवोदया विद्यालय का, तो इसमें आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो नवोदय विद्यालय समिति का रिक्रूटमेंट आया है, जो कि पोस्ट भी बहुत बढ़िया है 1925 पोस्ट, तो इसमें आपका सारा कैंडिडेट अलग अलग क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी वीडियो देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट है, तो इसमें जो है आप लोग जरूर जो कि अप्लाई कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका जो है आदर्श जो है और अदर्स क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे CBT टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा सबका, जो कि जितना भी कैटेगरी है सबके लिए एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, और उसके लिए आपको जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है एक सेंटर का जो नाम दिया गया कि कौन सा सिटीज़ में ये एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब पहले तो है यहाँ पे सिलीगुड़ी है, कलकत्ता है, हावड़ा है, आसनसोल है, तो बहुत सारा यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल से भी जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर आप लोग देखें तो हर एक स्टेट में जितना भी सिटीज़ है, जो फेमस सिटीज़ है बारह उसमें लगभग सभी में आपके एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग जो है उसका लिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम होगा CBT टेस्ट, वो कितना मार्क्स का होगा, उसके साथ कितना क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 इस हिसाब से आपका जो कि पोस्ट है वो कोर्ट इसी हिसाब का एग्ज़ाम होगा, जो भी यहाँ पे टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 50 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा, 3 घंटा आप लोगों को जो है पे टाइम मिल जाएगा जो कि एग्ज़ाम क्लियर करने का। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर टोटल यहाँ पे देखें तो टोटल आपका 150 का एग्ज़ाम होगा, जो कि 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 3 घंटा टोटल आपका जो मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल अगर क्वेश्चन मिला है तो आपका जो है 50 रहेगा आपका ये कैटेगरी 4 में, और 3 कैटेगरी 3 में जनरल अनाउंस में लगेगा 20 मार्क्स, और साथ ही साथ यहाँ पे कैटेगरी 2 यानी Part 2 में जनरल कॉम्पिटिटिव टेस्ट, जो कि जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी जो रहता है उसमें रहेगा 20 मार्क्स, और रीजनिंग और न्यूमेरिकल में आपका 10 मार्क्स रहेगा। तो टोटल सब मिलाकर जितना भी पेपर है 5 नंबर पेपर में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि फाइनेंशियल है जो कि ग्रुप ए कैंडिडेट के लिए है उसमें आपका 50 मार्क्स रहेगा, तो टोटल आपका 150 का एग्ज़ाम होता है, और 150 में आपका जो है 150 क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और अलग अलग कैटेगरी हिसाब से आपका अलग अलग जो है यहाँ पे एग्ज़ाम का जो है मार्क्स है। तो जो ग्रुप ए कैटेगरी है जिसमें आप लोग 150 में आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा करके आपका जो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पोस्ट को 3 जैसे आप लोग देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के जो है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं, तो जिसके लिए आपको 120 में एग्ज़ाम होगा। तो जो स्टाफ नर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे करके आप लोगों का क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना है। तो सारा कुछ डिटेल्स इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना एक अपडेट था। जो भी कैंडिडेट नवोदया विद्यालय समिति में अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है दोस्तों आप लोग जानते हैं 10 फरवरी 2022 तक आप लोग ऑनलाइन में फिलअप कर सकते हैं। और आगे के लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का डेली बेसिस अपडेट मिल जाता है। और ये वीडियो देखने के बाद चैनल के ऑफिस में जाकर और भी वीडियो का अपडेट ले सकते हैं। सीधा आ जाना है अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आने के बाद आपको सारा कुछ डिटेल्स पढ़ लेना है, और ये जो PDF है एडवर्टाइजमेंट है इसको भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद और भी डिटेल्स आपको देख लेना है। हालांकि अगर मुझसे कोई डिटेल्स छूट गया हो तो आप लोगों को देख के उसको जो है सटीक तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन ले लेना है। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको वर्किंग डेज जो होता है वर्किंग डेज में हफ्ते में जो वर्किंग डेज होता है उसमें आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपका कोई भी गलती हो तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे टिक कर देना है आपको, तो जैसे इसमें टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे तो आपका जो फॉर्म का जो मेन पेज है वो थोड़ा लोडिंग ले लेगा। उसके बाद आपके सामने नया पेज आ जाएगा जहाँ से आपको जो फॉर्म को फिलअप करना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ऐसा एक पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको इसको पॉपअप को क्लोज कर देना है। देने के बाद ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे डिटेल्स आपका कौन से पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको जो है उस हिसाब से आपको पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन सारा कुछ पोस्ट कोड यहाँ पे दिख जाएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी कैप्चा डाल करके सबमिट क्लिक करना है, तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट पे आपको लॉगिन करना है। तो इसमें लिए फिर से बैक आने पे इस पेज में आ जाना है। आने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको मिल जाएगा वो कैप्चा डाल कर फिर से लॉगिन करके आपका जो है फिर नेक्स्ट जो पेज आएगा मेन पेज उसमें जाएगा आपका सारा कुछ डिटेल, क्वालिफिकेशन और अदर्स डिटेल जो है आपको जो है ऐसे भर लेना है। और लास्ट में जाके आपको एप्लीकेशन फ़ी भी आपको पेमेंट करना है, जो कि 1000 रुपये, 1500 रुपये और 800 रुपीज़ आपको अलग अलग कास्ट कैटेगरी हिसाब से आपको जो कि वो पोस्ट के हिसाब से भी पेमेंट कर लेना है, जो कि ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था। आगे के वीडियो के लिए अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहे, देखते रहे हमारी टीचर न्यूटी गाइड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारी टीचर न्यूटी गाइड। जय हिंद दोस्तों।